पिछले साल एक फ्लिपकार्ट लूट की घटना हुई थी, उसमें दो अभियुक्त थे, एक चंदन दास और एक विक्की कुमार। तो विक्की कुमार और चंदन दास के बीच में उसी लूट की घटना से आपस में तनाव चल रहा था। विक्की ने घटना के दिन, विक्की दास जो है वो चंदन कुमार की मोटरसाइकिल पर बैठ कर आया था, लेकिन चंदन ने विक्की दास को धोखा दे दिया था और वो मोटरसाइकिल लेके भाग गया था और विक्की कुमार को पैदल ही घटना से भागना पड़ा था। ये अदावत उन दोनों के बीच में लगातार चली आ रही थी। इसका लिंकअप होता है सीधे 28 अप्रैल 2023 को। 28 अप्रैल 2023 को हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव मिला है, लड़के का, जिसके शव पे उसको छत विछत भी किया गया है, एसिड डालकर उसकी आइडेंटिटी को छुपाने का प्रयास किया गया। सूचना मिलने के बाद FIR दर्ज हुई। प्राथमिक दृष्टि में तो पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर जब उसकी फ़ोटो को सर्कुलेट किया गया तो जो मृतक थे उसके परिजनों के द्वारा कपड़े के आधार पर और अन्य जो आधार थे उनके आधारों पर उसकी पहचान को स्थापित कर लिया गया था। उसकी पहचान स्थापित हुई थी चंदन दास, जो कि ग्राम हजपुरबा निवासी है। FIR दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया, इस घटना का उद्भेदन हो गया है। हुआ यूँ था कि जो चंदन दास था, इसके दो तीन दोस्त हैं, बबलू दास, गुड्डू दास और विक्की कुमार। तो विक्की दास ने जो फ्लिपकार्ट लूट की घटना में धोखा दिया था, चंदन दास ने जो धोखा दिया था विक्की को, इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में तनाव था। और गुड्डू दास ने अपने भाई बबलू दास के साथ मिल करके इनको पैसे दिए थे 20,000 रुपये। ये तीनों बाहर कार्य करते थे और बाहर जब ये लोग थे, बेंगलुरु में एक कंपनी में तीनों लोग थे, चंदन कुमार, गुड्डू दास और बबलू दास, बेंगलुरु में एक कंपनी में काम कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने इसको पैसे आपस में दिए थे, 20,000 रुपये की बात सामने आई थी। और उसके बाद ये लोग अलग अलग हो गए जब पैसे वापस नहीं कर रहा था। जब तीनों एक साथ मिलते हैं, विक्की, बबलू और गुड्डू, तो ये तीनों ने योजना बनाई। तो विक्की ने बताया कि उसको फ्लिपकार्ट की लूट में इसने धोखा दिया था और इसको भी पैसे चाहिए थे। अचानक ये जो लड़का था मृतक, ये कुछ दिन पहले बाहर नौकरी करने के लिए गया था, लेकिन जब ये लौट के आया तो इन लोगों ने इसको गांव में पाया। तो इन लोगों ने योजना बनाई और चकमैसी थाना के अंतर्गत ग्राम हजपुरवा का जो पोखर है वहाँ ये लोग बैठे और योजना बनाई कि इसको बुलाते हैं, बुला करके इसकी हत्या की जाएगी। और विक्की कुमार के द्वारा ही एसिड का प्रबंध किया गया ताकि इसको छद विछद किया जाए। तत्पश्चात ये लोग मृतक को उसकी ही मोटरसाइकिल से बुलाते हैं पोखर पर। वहाँ ये लोग शराब का सेवन करते हैं। शराब के सेवन के बाद रात में करीब 9 से 9:30 के आसपास ये लोग मृतक को उसके ही गमछे से, गला में उसके गमछे से फांसी लगाकर इसको मार देते हैं। मृतक की हत्या हो जाती है और उसके बाद बॉडी को ये लोग डिस्पोज करते हैं उसी गांव में, एक चौर के पास मकई का खेत है, वहाँ बॉडी को डिस्पोज करते हैं। उसी जगह से पुलिस ने बॉडी भी आइडेंटिफाई की थी। जो मृतक का मोबाइल था वो ले लिया गया था गुड्डू दास के द्वारा, वो मोबाइल बरामद हो गया है। मृतक की जो मोटरसाइकिल थी, जिस मोटरसाइकिल से वो गया था, वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई है।